संस्कृत में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर टेन द वारिकस्य सेवानिष्ठा मीन्स ऑनेस्टी ऑफ द डोर कीपर्स यहाँ पे जो मोरल निकल रहा है स्टूडेंट्स ये स्टोरी है स्टोरी में से जो मोरल निकल रहा है वो है ऑनेस्टी और हम लोग को भी ऑनेस्टी के लेसन सिखाने के लिए ये चैप्टर दिया गया है कि हम लोग भी ऑनेस्टी सीखें तो अगर इसके कृति और कर्ता की बात करें तो बॉर्न इन राजस्थान पंडित अंबिका दत्त व्यास हु मेड वाराणसी हिज होम आफ्टर बींग एजुकेटेड देर ऑक्युपाइज अ स्पेशल प्लेस अमंग द मॉडर्न संस्कृत राइटर्स ही इज वेल नोन फॉर हिज मॉडर्न वर्क शिवराज विजय शिवराज विजय उसने जो रचना की है अंबिका दत्त व्यास ने उसमें से ये कृति दवारिकसया सेवानिष्ठा ली गई है द स्टाइल ऑफ दिस संस्कृत नॉवेल इज ईजी एज वेल एज सीरियस द फ्लो ऑफ द नरेटिव इज स्मूथ एंड होल्ड्स द अटेंशन ऑफ द रीडर कि ये जो स्टोरी हम लोग को दी है दो विकस्य सेवानिष्ठा वो शिवराज विजय में से दी गई है अंबिकादत्त व्यास की जो कृति है और ये नॉवल जो है स्टूडेंट उसमें इतनी आ, बोलते हैं ना कि ताकत है कि रीडर को अगर कोई रीड करने बैठे तो उसको एंड तक रीड करना छोड़ता नहीं है वो चीज़ कि पूरा का पूरा वो रीड करके ही वो कंप्लीट करता है तो यहाँ पे द डोर कीपर इन दिस स्टोरी इज़ अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ हिज जॉब ही इज़ अ पोलाइट टू द सन्यासी बट इन्जिस्ट ऑन द रूल्स टू बी ओबेड कि यहाँ पे एक डोर कीपर है उसको उसकी जॉब के बारे में इम्पोर्टेंस क्या है वो पता है वो सन्यासी को रिस्पेक्ट दे रहा है बट अगर सन्यासी उसको लालच देने पर मजबूर हो जाए तो वो अपनी जॉब में से ऑनेस्टी में से पीछे नहीं हट रहा है तो मेन थिंग इज दैट कि यहाँ पे हम लोग को क्या सिखाने की बात हो रही है तो ऑनेस्टी ऑनेस्टी के बारे में हम लोग को यहाँ पे दिखाया गया है तो हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं दस्य सेवानिष्ठा ऑनेस्टी ऑफ द डोर कीपर एक वैरिकव्यमूर्ति संयासीन अपश्य तत तय वर्तालाप अभवदा दौ वरीक भव्य मूर्ति संनम अपश्य एक बार दौ वरीक दैट मीन्स डोर कीीपर की एक भव्य मूर्ति बहुत ही प्रभावशाली डोर कीीपर को सन्यासी ने देखा कि वनज द डोर कीीपर सो अ संयासी वि मैग्निफिशियन्ट द कन्वर्जेशन टुक प्लेस बिटवीन धैम एज़ फॉलो के उन लोग के बीच में जो क्या कन्वर्जेशन हुआ वो यहाँ पे दिया गया है सन्यासी बोल रहा है सन्यासी सेस कथम आसमान सन्यासी न अपि तिरस्करोशी कथम असमान सन्यासी न अपि तिरस्करोशी तिरस्करोशी डैट मीन्स अवॉइड कर रहे हो आप ठीक है तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कथम आसमान सन्यासी न क्यों हमारे जैसे सन्यासी को आप तिरस्कृत कर रहे हो आप तिरस्कार कर रहे हो आप हेट कर रहे हो कि हाउ इज इट दैट यू हेट अ सन्यासी, ऐसा वो दौआरिक दैट मीन्स डोर कीपर को बोल रहे है सन्यासी जो सन्यासी द्वार पे खड़े हैं वो दउआारी कह रिप्लाई दे रहे डोर कीपर भगवान प्रणमाी कि ओ लॉर्ड आई बो डाउन टू यू मैं आपको प्रणाम करता हूँ परंतु स्वकीय परिचयम अदत्वा परंतु बट स्वकीय परिचय दैट मीन्स खुद का इंट्रोडक्शन अदत्वा दिए बिना न कश्चित प्रवेश अहर्ति कि कोई भी अंदर एंटर हो सकता नहीं है सन्यासी सेड सत्यम करेक्ट ट्रू क्षांत अयम ते अपराध क्षांत अयम ते अपराध दिस इज ऑफेंस ऑफ योर इज फॉरगिवनेस कि आपने जो भी बोला वो मैं माफ़ कर देता हूँ आपका जो अपराध है बट किंतु अद्य प्रभृति आज से त्वम आप संन्यासीन अगर कोई सन्यासी है तो वो पंडितान अगर कोई पंडित है तो ब्रह्मचारीण अगर कोई ब्रह्मचारी ब्राह्मीण है तो स्त्री दैट मीन्स लेडीज बाला है दैट मीन्स चाइल्ड च न अवरोधुम शक्नोशी के ये सारे अगर तेरे द्वार पे आए तो तू उनको रोकना नहीं कोई क्वेश्चन पूछना नहीं उसके बारे में सबूत मांगना नहीं कि आप कौन हो तो यहाँ पे जो सन्यासी है वो क्या बोल रहे हैं कि ट्रू दिस इज ऑफेंस ऑफ yours इज forgiveness कि मैं आपकी ये गलती को माफ करता हूँ बट फ्रॉम टुडे यू कैन नॉट स्टॉप सन्यासी स्कॉलर्स सेलिब्रेट्स वुमेन एंड चिल्ड्रन इन सबको आप रोकोगे नहीं ऐसा वो दवारिक दैट मीन्स डोर कीपर को बोल रहे हैं द्यारिक ने रिप्लाई में क्या दिया न बहु उक्तम विरम सन्यासी आप बहुत बोल दिए अभी विरम दैट मीन्स स्टॉप वयम दौहारिक ब्रह्मण अपि आज्ञा न प्रतीक्षा है कि हम लोग दौहारिक अगर आ, हम लोग जो डोर कीपर है तो डू नॉट वेट फॉर इवन लॉर्ड ब्रह्मज ऑर्डर कि हम लोग लॉर्ड ब्रह्मा के ऑर्डर की वेट करते नहीं है हम लोग कौन है हम लोग डोर कीपर हैं आगे क्या बोल रहे सन्यासी सिंह साधु मार्ग मादेश ठीक है ओके तो मुझे अभी तू रास्ता दिखा शो मी द वे महाराज निकटे गंतुम इच्छा मी कि आई विश टू गो नियर मिस मास्टर कि मैं महाराज के पास जाना चाहता हूँ राजा के पास जाना चाहता हूँ तू मुझे मार्ग दे ऐसा सन्यासी जो है वो डोर कीपर को बोल रहे दवारी कह डोर कीपर सेट न शक्यम नॉट पॉसिबल प्रभाते महाराज से संध्या उपासन काले प्रवेश कर तुम अरहसी। वो ऐसा बोल रहा है कि प्रभाते महाराज से संध्या उपासन काले प्रवेश सिर्फ मॉर्निंग में ही महाराज के संध्या उपासन काल में ही प्रवेश शक्य हो सकता है वो पहले बोल रहा है कि नॉट पॉसिबल यू कैन नॉट एंटर इन द मॉर्निंग विच इज़ इट मै मैजेस्टिस टाइम फॉर प्रेयर की मैजेस्टी के प्रेयर के टाइम पे संध्या उपासन काले आप एंटर कर सकते नहीं हो न शक्य न तो रात्र बट नॉट एट नाइट सन्यासी बोल रहे किम को अपनी रात्र न प्रविशति कि वाई कि नो बड़ी गोज़ इन एट नाइट कि रात को क्यों नहीं एंटर हो सकते क्योंकि वो रात के टाइम पे सन्यासी जो है वो डोर कीपर के पास आया था और उसको पूछ रहे थे कि वो अंदर जाने के लिए दवारिका से आहूतान परिचितान परित्यज्य न को अपी कि आहूतान अगर किसी को बुलाया है महाराज ने तो और परिचितान अगर परिचित है वो व्यक्ति उससे तो ही वरना वो एंटर हो सकते नहीं है तो डोर कीपर जो है वो बोल रहे कि नो बडी एक्सेप्ट धोज हु आर इनवाइटेड कि जिसको बुलाया गया है एंड हु आर नोन जो जाने गए हैं जो जान पहचान के वो ही सिर्फ जा सकते हैं आगे बोल रहे कि विशेष वस्तु भवाद्रुशया ये खलु तुम भी धारिका द्वारा द्वारा भ्रमती आपके जैसे तो बिल्कुल भी एंटर हो सकते नहीं है तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि स्पेशली पर्सन्स लाइक यू हु रियली कैरी अ गार्ड गो फ्रॉम डोर टू डोर कि एक घर से दूसरे घर तुम भी धारक आपके जैसे लोग तो स्पेशली नहीं एंटर हो सकते सन्यासी बोल रहा है स्वागतम अपने ही मन में बोल रहा है वो टू तो हिमसेल्फ सर्वथा सुग्य अय दौहरिक दिस डोर कीपर इज द मोस्ट शूटेबल बाय ऑल मीन्स कि बराबर है वो अपने प्लेस पे अपने स्थान पे वो उचित है योग्य है पुनः इमं परीक्षे तो प्रयतिष्ये कि मैं फिर से फिर से इसकी एग्जामिन करता हूँ फिर से इसकी टेस्ट लेता हूँ मैं प्रकाशम लाउडली अत्र आगछ यहाँ पे प्रकाशम वो वहाँ पे जाके बोल रहा है कि दवआरी का अत्र आगज आप यहाँ पे आओ कथा ही तुम इच्छा में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हो ऐसा सन्यासी जो है वो डोर कीपर को बोल रहा है दवा कह उपस्रुत्य कथय तो भवान वहाँ पे जाके वो बोल रहे है गोइंग नियर प्लीज टेल मी बोलो क्या बात है आप कहना चाहते हो सन्यासी सिंह तवम तो दव कह अस्ती असी कि यू आर ओनली अ डोर कीपर कदापि धनिक न भविष्य कि नेवर विल यू बी अ रिच मैन कभी भी आप रिच मैन नहीं बन सकते धनी पैसे वाले नहीं बन सकते वाई बिकॉज़ यू आर डोर कीपर च वयम वचराम मैं वन में बहुत सारे वनों में घूमता हूँ एंड सर्वम रसायन तत्व जानी माँ और मैं हरेक रसायन तत्व जानता हूँ तो वो ऐसा बोल रहे कि वी वेंडर इन द फॉरेस्ट एंड वैलीज़ हम लोग जो सन्यासी होते हैं वो फॉरेस्ट में घूमते हैं एंड वी नो द होल एल्केम कि हर एक रसायन तत्व हम लोग जानते हैं दवारिक से भवतु नाम अग्रे अग्रे ठीक है मे बी हो सकता है कि आप जानते होंगे बोलो आगे सन्यासी से यदि मम प्रवेशम तव न अवरोधयसी कि अगर आप मुझे अंदर जाने के लिए रोकोगे नहीं तरी तुभ्यम यथेष्टम रसायनम दायामी तो फिर तुझे मैं जितना चाहिए उतना मैं रसायन दूँगा तेन वो रसायन से पंचाशत तुला परिमितम ताम्रम सुवर्ण भविष्यति वो ऐसा बोल रहे कि पचास तोला ताम्र जो होगा वो सुवर्ण में चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि इफ़ यू डू नॉट स्टॉप मी एंटरिंग आई विल गिव यू एज मच केमिकल एज यू विश विद इट फिफ्टी कॉपर विल टर्न इनटू गोल्ड कि फिफ्टी तोला कॉपर जो है वो टर्न हो जाएगा गोल्ड में अगर आप मुझे एंटर होने से नहीं रोकोगे तो मैं आपको वैसा रसायन तत्व दूंगा दवारिक सेज़ आ कपटी न हो विश्वासघातम कि ये विक पर्सन है वे खरा ये खराब इंसान है और विश्वासघातम ये बहुत ही विश्वासघाती पर्सन है उपदेश उपदेशयसी न वयम तादृश कि आप जो मुझे बोल समझ रहे हो वैसा मैं नहीं हूँ दौरी कैसा बोल रहा है कि आप जैसा मुझे समझ रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ कथय कह आप कौन हो वो मुझे बोलो कुतः आगछ सी कहाँ से आप आए हो अहम तवाम कस्य चित्त गुप्तचरम मनिए अहम तवाम कस्य चित्त गुप्तचर मनिए आई थिंक यू आर अम्स स्पाई कि आप किसी के गुप्तचर हो ऐसा मुझे लग रहा है दुर्गा अध्यक्षम दुर्गाध्यक्ष निवेद्यमी मैं दुर्गा दुर्ग के फोर्ट के अध्यक्ष जो है उसको मैं ये सारी बात बोल के तवाम दंडयिष्यामी आपको पनिशमेंट दिलाऊंगा सह त्वाम विज्ञाय यथोचितम करिष्यति उसको जो भी वो जान के उसको जो योग्य लगेगा वो वैसे करेंगे सन्यासी सिंह परित्यज्य परित्यज्य ना हम पुनः आगमिष्यामि कि लीव मी लीव मी मुझे छोड़ दे मैं फिर से अभी नहीं आऊँगा ना हम पुनः आगमिष्यामि आई शेल नॉट कम अगेन नई पुनः कथयिष्यामी एंड आई टेल यू अगेन आई शेल नॉट टेल यू अगेन लाइक दिस मैं ऐसा फिर से आपको नहीं कहूँगा मैंने जो आपको रिश्वत देने की कोशिश की वो भी मैं नहीं कहूँगा व्यवहारिक तथा विघण्य उसने वो सन्यासी जो भी बोल रहा बोल रहे हैं कि लिव मी लिव मी वो कुछ भी सुना नहीं और तम हंसते ने गृहित नहीं थी और उसका हाथ पकड़ के वो उसको लेके गया सन्यासी सिंह प्रबल प्रकाश दीप से समीपे बहुत ही प्रकाश बहुत ही लाइट के पास जाके के नियर द लैम्प विथ ब्राइटर लाइट दवारी कह अपी जाना मी जाना सी माम कि की डोरकीपर डू यू नो मी क्या आप मुझे जानते हो दवारिक ने बोला निपुणम निरीक्ष बहुत ही ऑब्जर्विंग मिनटली थोड़े ही टाइम ऑब्जर्व किया उसको अय आर्य खलू भगवान वो क्या बोल रहे हैं कि रियली यू आर माई मास्टर कि आप तो मेरे मास्टर हो आर्य क्षण तुम अर्ति माम कि सर प्लीज़ फॉर गिव मुझे माफ़ करो कि मैंने आपको अंदर जाने से रोका सन्यासी बोल रहा है कि तस्य पृष्ठ हस्तम विनस्य उसके पीठ के पीछे उसके बैक पे हाथ रख के दव वरिक मयाते परीक्षा कृता दौहारीक मैंने आपकी परीक्षा की है तो हम योग्य स्थाने नियुक्त अस् आप जो प्लेस पे हो वो योग्य है वो करेक्ट प्लेस पे आप वर्क कर रहे हो अलोलुपता द्वादृश्य प्रभुनाम पुरस्कार भाजनम होती के जो इंसान लालच में आके कुछ भी लेता नहीं है उसको वो इंसान पुरस्कार के पात्र होता है उसको एक गिफ्ट देनी चाहिए तव प्रामाणिकता मैं आपकी प्रामाणिकता को प्रभु प्रभुसन्निधव कथयती राजा के समीप राजा के सामने प्रकट करूंगा आपकी जो ऑनेस्टी है उसको कुत्र वर्तते श्रीमान कहाँ है राजा कहाँ है राजा ऐसा वो बोल रहे है और कह रहे है कि किम अनुतिष्ठे संप्रति सह कि व्हाट इज़ ही डूइंग ना नाव कि वो अभी क्या कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट ऐसा है कि प्लेसिंग अ हैंड ऑन हिज बैक उसके पीठ के पीछे उसके बैग पर हाथ रख के सन्यासी ने क्या बोला कि डोर कीपर यू हैव बिन टेस्टेड बाई मी मेरी तरफ से आपकी परीक्षा हुई है यू आर अपॉइंटेड इन द राइट प्लेस आप जो प्लेस पर नियुक्त हुए हो वो राइट प्लेस पर नियुक्त हुए हो पीपल लाइक यू कि आपके जैसे इंसान कि हु आर नॉट ग्रेडी फॉर ब्राइब आर फिट टू बी रिवॉर्डेड कि अगर कोई इंसान लालच में आके कुछ भी चीज़ लेता नहीं है वो करेक्ट है रिवॉर्ड के लिए उसको कुछ ना कुछ पारितोषिक देना ही चाहिए आई एम गोइंग टू टेल अबाउट योर ऑनेस्टी टू द किंग मैं आपकी ऑनेस्टी राजा के समक्ष डिस्क्राइब करूंगा बोलूंगा वेयर इज़ ही वो कहाँ पे है व्हाट इज ही डूइंग नाउ कि अभी वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे चैप्टर स्टूडेंट कंप्लीट हो रहा है बट यहाँ पे डोर कीपर की जो ऑनेस्टी है वो बाहर आ गई है सन्यासी ने जो आर्य थे वो मास्टर थे उनके उसने एक सन्यासी का रूप धारण करके सन्यासी का वेश पहन के उसको एक टेस्ट ले, उसकी एक टेस्ट ले, उसको एग्जाम किया डोर कीपर को और वो उसके टेस्ट में वो पास हुए और उसकी जो ऑनेस्टी है वो बाहर आई कि वो कितने ऑनेस्टी है ऑनेस्ट पर्सन है अगर चाहते अगर डोर कीपर जो था वो चाहता तो वो ब्राइब ले सकते थे वो उसने जो लालच दी उसने जो भी रिश्वत दी वो ले सकते थे बट उसने ऐसा नहीं